बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पहली बार परवेज़ मुशर्रफ़ ने मुझे देखा तो हाथ मिलाने के बजाय मेरे साथ किस तरह मिले। बाहिजाब पाकिस्तानी खातून पायलट शहनाज लगारी का अहम इंकशाफ। दुनिया की पहली बाहिम्मत और बाहिजाब पाकिस्तानी खातून पायलट डॉक्टर शहनाज लगारी कहती हैं कि मैंने जिस घराने में आँख खोली वहाँ हिजाब लिबास का हिस्सा समझा जाता है, सो शुरू ही से हिजाब लिया। हाँ, शौरी तौर पर हिजाब की समझ आज से 15 साल पहले आई, जब खुद कुरान को अपनी आंखों से पढ़ना और समझना शुरू किया। हम जिस माहौल में परवान चढ़े वहाँ हया और हिजाब हमारी गुठियों में डाला गया था, सो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हिजाब बोझ नहीं लगा। हिजाब की वजह से कभी कोई परेशानी या रुकावट नहीं आई, बल्कि मेरा तजुर्बा कुरान की इस आयत के मुतरादिफ रहा, तुम पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब ने मेरी राह में कभी कोई मुश्किल नहीं खड़ी की, बल्कि मैंने उसकी बदौलत हर जगह इज्जत और एहतराम पाया। एक वाकया सुनाना चाहूँगी। परवेज़ मुशर्रफ़ दौर में पाक फ़ौज की एक्सपो 2001 मुनक्कद हुई थी। ये एक बड़ी गैदरिंग थी। इसकी तकरीब वाहिद बाहिजाब में ही थी। कुछ ख़वातीन आफिसर्स की बेगमात ने इशारों किनाइयों में एहसास दिलाया कि ऐसी जगहों पर हिजाब की क्या ज़रूरत। मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर में जनरल मुशर्रफ़ ख़वातीन से सलाम करने लगे। ख़वातीन जाती, उनसे हाथ मिलाती, उनके साथ लग लग कर तस्वीरें बनाती। मैं कुछ अंदर से घबराई हुई थी। इसी असना में जनरल मुशर्रफ़ मेरी जानिब मुड़े, मुझे हिजाब में देखा तो अपने दोनों हाथ कमर पर बांध लिए और जापानियों के तरीके से सलाम की तरह 3 बार सर झुकाकर सलाम किया। ख़वातीन का मजमा मेरी जानिब से हैरत से तक रहा था। मेरी आंखों में नमी और फिजाओं में मेरे रब की गूंज सुनाई दे रही थी, ताकि तुम पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ।